शुभ संध्या मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। कहते नहीं हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से, है ना। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने जब एक मुहिम चलाई और लगभग अपने समस्त वीडियो में आपको टीजीटी पीजीटी प्राइमरी जूनियर एलटी एलटी वेटिंग लिस्ट ओसीएस पैनल 2013 2016 इन सभी बातों की जानकारियां जब हम देते थे तो लोग बड़े मजे से बड़े चुटकुले लेकर के उसको सुनते थे। 97 21 41 13 85 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी लेखपाल यूपी कांस्टेबल यूजीसी आदि के उत्कृष्ट पाठ पुस्तक से बने हुए नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपकी सफलता में 100% योगदान करेगा। और बहुत कुछ गुल खिला भी चुका है, बहुत सारी चीजें जो है मतलब हुई है, और हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि अगर आप एक बार उसका अध्ययन कर लीजिए आपकी सफलता सुनिश्चित है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। टीजीटी पीजीटी के लिए जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र भेजा गया और जिला विद्यालय निरीक्षकों ने विभिन्न विद्यालयों को पत्र भेज दिया है कि आप अपने यहाँ की रिक्तियों की जानकारी दीजिए, आपका विज्ञापन आना तय हो चुका है, निश्चित हो चुका है, सुनिश्चित हो चुका है। जिस तरीके से आज जो मतलब शासनादेश आया, जियो आया है आपके प्राइमरी और जूनियर लेवल का, ये जियो आपके प्यारे चैनल सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के बातों पर स्पष्टीकरण का मुहर है कि जो बातें हमने आपसे कही, जो बातें हमने आपसे की, वही सारी बातें अब आपके सम्मुख सत्यता के रूप में परिणित हो रहा है। आपको आज तक हमने जितनी भी सूचनाएं प्रदान की वो सारी सूचनाएं 101% सत्य साबित हुई हैं। हमेशा ही हमने आपको मोटिवेट किया, हमेशा ही हमने आपको पॉजिटिव वे में रखा और ये बताने की कोशिश की कि आप निराश ना हो, हताश ना हो, डिसअपॉइंटेड ना हो, और जो है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होकर के, डेडिकेटेड होकर के अपनी तैयारियों में लगे रहिए। उसी का आज परिणाम है कि चूंकि आप जानते हैं चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में जो है मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, तो मुख्यमंत्री महोदय बहुत जल्दी ही आपको भर्तियों की सौगात देने चल रहे हैं। और चूंकि गवर्नमेंट ने 10 जनवरी तक का ड्यू डेट रखा हुआ है, देखिए जो जो सूचनाएं मैंने आपको दी वो सारी सूचनाएं एकदम एग्जैक्ट बैठी हैं। मैंने आपसे कहा था कि 15 जनवरी के बाद आपका आचार संहिता लागू होगा, ये बात एकदम पुष्ट हो गई, ठीक है। यहां तक कि इलेक्शन कमीशन ने भी बता दिया कि हम ये 10 जनवरी के बाद जो है हम चुनावी की घोषणा कर देंगे, ठीक है, ये सूचना भी एकदम पुष्ट हो गई, प्रमाणिक हो गई। दूसरी सूचना, आपके जूनियर की भर्ती की बात करते थे, कोई चैनल आपसे बात नहीं करता था, सिर्फ हमारा एक सहयोगी चैनल वो मतलब बात करता था या हम बात करते हैं। आपको जूनियर लेवल के लिए भी आज जियो जारी हुआ, उस पे भी आपको भर्ती देखने के लिए मिलेगी, लगभग 6500 से लेकर के 10,000 पदों के बीच में भर्ती है, तो ये भी आपके लिए एक स्वर्णिम अवसर है। प्राइमरी लेवल का भी सुपर टेट आपको देखने के लिए मिलेगा, मैं हमेशा दो सुपर टेट की बात करता था, वो बात आज पुष्ट हो गई, ठीक है। 27,000 टीजीटी पीजीटी के लिए भी बातें चल रही हैं, पत्र जब भेजे जा चुके हैं तो आपका विज्ञापन आना भी अब सुनिश्चित हो चुका है, क्योंकि इस पत्र के प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर ही सारे पदों का विवरण इनको देना है, तो आप मान के चलिए कि 15 से 20 दिन में आपका विज्ञापन टीजीटी पीजीटी का वो जारी कर दिया जाएगा। अच्छा, और एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए भी मैंने ही आपसे सर्वप्रथम बताया था कि लोक सेवा आयोग को अधियाचन प्राप्त हो चुका है। कई लोग कह रहे थे कि अभी मतलब जो है शिक्षा निदेशालय में ही अधियाचन लटका हुआ है। अरे भैया, अधियाचन तो पता नहीं कब का जो है मतलब लोक सेवा आयोग में पहुंच चुका है ना। अब इस पे विज्ञापन आपका किसी भी वक्त जारी किया जा सकता है, 26 तारीख से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में विज्ञापन आ जाएगा आपका, ठीक है, ये भी एकदम पुष्ट प्रमाणिक सूचना हो गई। अब मुद्दा जो बनता है, मुद्दा वो बनता है कि हिंदी में संस्कृत की अनिवार्यता से छूट, इंटर में
अगर कोई ग्रेजुएशन लेवल पे संस्कृत पढ़ा है तो उसको जो है इंटर लेवल पे उसमें छूट मिलनी चाहिए। उसके लिए प्रयत्न जारी है और निश्चित ही आपको उससे छूट अवश्य मिलेगी। दूसरी चीज है प्रावधिक कला, टेक्निकल आर्ट, फाइन आर्ट को बीएड की अनिवार्यता से छूट प्रदान करते हुए एलटी ग्रेड में शामिल कराने की जो मुहिम है, यह भी परवान चढ़ती हुई दिख रही है। बहुत जल्दी ही आपको रिलैक्स मिल जाएगा इसमें भी। और तीसरी जो है ईडब्ल्यूएस को 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट के लिए, और ऐसा कई राज्य सरकारें करती आ रही हैं, ऐसा कई राज्य सरकारें कर भी रही हैं, चाहे वो हरियाणा की सरकार हो, चाहे झारखंड की सरकार हो, चाहे जम्मू कश्मीर की सरकार हो, चाहे आपके जो है दिल्ली की सरकार हो, चाहे आपकी बिहार की सरकार हो, ये जो है यहाँ के मुख्यमंत्री वगैरह जो है ईडब्ल्यूएस को 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दे चुके हैं। और उत्तर प्रदेश में भी आपको 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलने चल रहा है आगामी आने वाली भर्तियों में। लेकिन उसके पहले एलटी ग्रेड आदि में आपको 2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और जो है ये कोविड के चलते हुआ है, क्योंकि कोविड में 2 साल तक कोई भी भर्ती नहीं हुई थी, सारी प्रक्रियाएं ठप थी, तो उसका एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। जो हमारे भाई बहन इसमें ओवर एज हो चुके थे, 46 साल के हो गए थे, 47 साल के हो गए थे, वो भी अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है ना? तो ये भी आपके लिए एक स्वर्णिम अवसर है, ये तो कहिए कि एक संजीवनी बूटी है आपके लिए, कि आपको पुनर्जीवन दे रहे हैं और एक बार आपको अवसर दे रहे हैं कि आप फिर से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। योग्य है वो विद्यार्थी, बहुत पढ़ा है उन्होंने, बहुत मेहनत करी है उन्होंने, तो ये अवसर आपको मिल रहा है, तो इस अवसर का भरपूर लाभ उठाइए आप। ठीक है? आपको मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही आपके हक की लड़ाई लड़ता है, हमेशा ही आपकी समस्याओं को अधिकारियों तक पहुंचाता है और हमेशा ही आपकी बातों को सर्वोपरि रखता है। हमने बहुत सारे विद्यार्थियों को 1, 2, 4, 10, 5, 20, 25, 50, 100, 200 नहीं, मैंने लगभग लगभग अभी तक मैंने लगभग लगभग 1200 से अधिक विद्यार्थियों को अपने स्टडी मटेरियल भेजे हैं, 1200 विद्यार्थियों को, और 1200 में से 1200 विद्यार्थी वो पूर्णतया संतुष्ट विद्यार्थी हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपको तैयारी करनी है तो पूरी तन्मयता होनी चाहिए, पूरी ईमानदारी होनी चाहिए, पूरा मोटिवेशन होना चाहिए, पूरा डेडिकेशन होना चाहिए, तभी आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। और सफलता प्राप्त करना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं, चलो गुड्डे गुड़िया का खेल है, चलो ले लेते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको स्वयं से ईमानदारी करनी पड़ेगी और आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ये अवसर अंतिम अवसर है मेरे भाई बहनों, इसके बाद आपको अवसर नहीं मिलेगा। फिर आप अवसर के लिए तरसेंगे, फिर यही सोचेंगे कि काश मैंने पढ़ लिया होता तो क्या बात थी। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप कभी मेरे पास कॉल करिएगा तो मैं बताऊंगा टीजीटी 2021 में मेरिट इतनी हाई क्यों गई उसका एक रीजन है ना? सारी चीजें हैं, सब चीजें स्पष्ट हैं। बाद में आप भले ही कोई चीजें हैं, लेकिन आपको मैं सजेस्ट करना चाहता हूं कि एक बार स्टडी मटेरियल का अवलोकन अवश्य करिए, ये आपकी तैयारी के लिए रामबाण सिद्ध होगा। विज्ञापन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है और आने वाले 1-2 सप्ताह, यही 10 से 15 दिन आपके कंपटीशन लाइफ के सबसे महत्वपूर्ण दिन होने जा रहे हैं। यही 10-15 दिन आपके सामने 4-5 बड़े विज्ञापन एक साथ ही लाकर के टपका देंगे और आप ये नहीं समझ पाएंगे कि किस चीज की तैयारी करें, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कौन सा पेपर पहले होगा, कौन सा बाद में। अरे मेरे भाई, तैयारी करने के लिए क्या आपको जो है पेपर जो है होना जरूरी है? एलटी ग्रेड, सुपर टेट और टीजीटी पीजीटी, ये आपकी सबसे बड़ी भर्तियां हैं। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ, एलटी ग्रेड और सुपर टेट इन दोनों का एग्जाम आगे पीछे रहेगा, हफ्ते 10 दिन का फर्क रहेगा, है ना? एडेड जूनियर का जो सारी चीजें हैं वो भी हफ्ते 10 दिन का फर्क रहेगा। टीजीटी पीजीटी भी आपकी 31 मार्च तक कंप्लीट हो सकती है, क्योंकि टाइमलाइन पंच ये भर्ती होगी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार। निश्चिंत रहिए, जैसे 2021 की भर्ती हुई है, तो पूरी तन्मयता दिखाइए, पूरी तैयारी करिए, ईमानदारी से प्रयत्न करिए ताकि आपको एक सीट मिल सके और आप अपने जीवन को नए तरीके से जी सकें, आप अपने परिवार के प्रति ईमानदारी कर सकें, अपने भविष्य के प्रति ईमानदारी कर सकें और एक सीट अपनी सुनिश्चित कर सकें। बाकी जो भी अपडेट होगी सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल, आज मैंने सोशल मीडिया पर देखा उसमें एक टैग लाइन थी, आया सार्थक
छाया सार्थक। मतलब विद्यार्थी बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, मैं दिल से उनको प्रणाम करता हूँ इस चीज के लिए, उनके सपोर्ट के लिए, सहयोग के लिए, और इतने ज्यादा स्नेह के लिए, और जो मतलब इतने ज्यादा आशीर्वाद के लिए, भरोसे के लिए, मैं आपको दिल से प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शुभ रात्रि, जो भी अपडेट होगी मिलती रहेगी। धन्यवाद।